जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी करी, कुछ समुदायों ने, उनको सबको रेजिमेंट देके चले गए। वो जो पिछले 75 साल में हमें जो देखने को नहीं मिला, वो पिछले 7-8 साल में हमें मिला है देखने को। मैं बता रहा हूँ, फौज में जातिवाद है। हर आदमी चाहता है सेना में जाकर देश की सेवा करना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी 5 जनरेशन फौज में रही है। हम तो गोली खा लेने के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं। चाइना से मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे, हथियारों के बलबूते पीछे कौन हथियार के, वो भी देखा जाएगा ना। अकेले हथियार से युद्ध नहीं जीत सकते आप। ईमानदार लोग आएंगे जो मिलिट्री ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो रवैया चेंज कर देंगे सरकारी विभागों का। उसमें अगर कोई सुधार ला सकता है तो पूर्व सैनिक ला सकता है, वो अग्निवीर के थ्रू हमारे यहाँ अगले 5-6 साल में देखना आप। देखो, अहिर रेजिमेंट की मांग पिछले 75 साल से चलती आ रही है, और ये तेज और मंदी होने की बात नहीं है। बहुत लोग इस मुद्दे से जुड़ चुके हैं। अभी पूरा हिंदुस्तान के जो अहिर हैं, यदुवंशी हैं, जो कृष्ण जी के वंशज हैं, वो जाग चुके हैं। और जागने के बाद में आप हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से आज आवाज़ आ रही है, इसलिए हमें तेज़ लग रहा है कि मीडिया उनको आगे बढ़ा रहा है, उनकी बातों को पब्लिक के सामने रख रहा है, इसलिए तेज़ लग रही है। ये 75 साल पुरानी मांग, अंग्रेज़ों ने तो हमें पनिश किया था यदुवंशीज को, क्योंकि अंग्रेज़ों की खिलाफत की थी हमने, उनको भगाने के लिए हमने बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1857 से लेकर के 1947 तक हमारे जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में चिंगारी उठी आज़ादी की, वहाँ यदुवंशियों ने उठाई थी। चाहे हम बिहार की बात करें, हम मेरठ की बात करें, हम कानपुर की बात करें, हम नसीबपुर हरियाणा की बात करें, जहाँ पर राव तुलाराम ने कितने लोगों को, ब्रिटिश के जो कर्नल साहब थे उनके बटालियन, उसको भी मारा था, कितने लोगों का वध किया था। तो इसलिए उन्होंने तो हमें पनिशमेंट दिया ही दिया था, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद में भी भारत की सरकार ने भी अभी तक नहीं सोचा, हालांकि हमें रिवार्ड देना चाहिए था। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी करी, कुछ समुदायों ने, उनको सबको रेजिमेंट दे के चले गए। वो अहिरों ने उनकी खिलाफत करी, सिंगापुर से लेकर के आप बाहर जहाँ जहाँ अफगानिस्तान तक हमारे यदुवंशी गए थे अंग्रेज़ों की खिलाफत करने के लिए, तो उसके कारण हमें रेजिमेंट नहीं दी। अभी बाकी सारी कौमों ने गुलामी की, कुमाऊँ ने जो गुलामी की थी अंग्रेज़ों की, उनके 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 घरों पर, उनके घर पर बैठ पहना काम करते थे लोग, वो इनको रेजिमेंट दे के गढ़वालियों ने किसी गढ़वालियों को दे गए। अहिरों ने गुलामी नहीं की, अहिर तो उनके साथ सामने खड़े हो गए हथियार लेकर के, इसलिए अहिरों को रेजिमेंट नहीं दिया उन्होंने। ये काम देखो, अब उम्मीद है। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो पिछले 75 साल में हमें जो देखने को नहीं मिला, वो पिछले 7-8 साल में हमें मिला है देखने को। बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए, 3 तलाक, 370, ऐसे ऐसे राम मंदिर का जो 250 साल पुराना विवाद था उसको सुलझा के राम मंदिर बना दिया। ऐसे ऐसे स्टेप इस सरकार ने लिए हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब की टीम ने। तो हमें उम्मीद है पूरी, हम यदुवंशियों को, कि अगर हम ठीक तरह से इनको समझा पाए, यदुवंशियों का इतिहास, यदुवंशियों का बलिदान देश की आज़ादी के बाद में भी, आज़ादी से पहले भी, तो शायद हमें उम्मीद है कि ये लोग हमारी इस मांग पे ध्यान देंगे। इस मांग पे कोई खर्चा नहीं होना है, कोई कैबिनेट का डिसीजन नहीं चाहिए, केवल एक अध्यादेश जारी होना है आर्मी से कि कुमाऊँ रेजिमेंट में 2 बटालियन हैं, जो अहिर बाकी बटालियन 17 बटालियन फैले हुए उनको इकट्ठा करके, और 5 बटालियन और बना दो। आप तो 7 बन गई, 7 बना करके अहिर कंधे पे लगाना है, बस टाइटल होल्डर चेंज करना है, कुमाऊँ की जगह अहिर लगाना है, बस कुछ करना ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी की तो है, किसकी नहीं है बताओ। मराठा से लेकर के आप सिख, सिखलाई, जैकलाई, जैकरीफ, जाट, राजपूत, राजरीफ, सब जातियों के लिए रेजिमेंट हैं। नहीं नहीं, कुछ बहुत, लेकिन संख्या देखो कि हिंदुस्तान में 26 करोड़ अहिर हैं, 26 करोड़ अहिर हैं। अब 26 करोड़ अहिरों का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा ना, और किस जाति के 26 करोड़ बताओ। 2% हैं सरदार इस देश के अंदर, उनके सिख और सिखलाई 2 रेजिमेंटें हैं, अहिर 26 करोड़ हैं, उन पर सुनाई नहीं है। एक बहाना नहीं, नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं चल रहा है ना। अहिरों के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार हो रहे हैं वो, क्योंकि जो रिटायर होता है जिस जाति का आदमी, उस जाति का आदमी भर्ती होता है फौज के अंदर, तो अहिर हैं ही पहले कम,
तो उनकी ज़्यादा वैकेंसी कहाँ से हो जाएंगी जब तक कि रेजिमेंट नहीं बनेगी उनकी। इसलिए ये रोज़गार से भी संबंधित मामला है, पेट की भी बात है इसमें, और ऑफ कोर्स मान सम्मान की बात है, नाम और निशान की भी बात है, तीनों चीज़ें इसमें साथ चल रही है। नहीं नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, आपको पता ही नहीं है फौज के अंदर जाति का रिजर्वेशन है, हर जाति का, ये बहुत से हिंदुस्तानी को नहीं पता। आर्टिकल 14 अगर हम देखें उसका खूब उल्लंघन हो रहा है सेना के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का बराबरी का जो अधिकार देने हैं हर हर सिटीजन को, उसका पूरा खुल के उल्लंघन है, कोई बोलने वाला नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जातिवाद है, ऑफिसर्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है सेना के अंदर, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। यस, मैं बता रहा हूँ फौज में जातिवाद है, या तो सब खत्म कर दो, पॉपुलेशन के अनुसार परसेंटेज फिक्स कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और रेजिमेंट सब खत्म कर दो, जाट मराठा सिख जैकरिफ जैकलाई सब हटा दो यहाँ से, इन्फेंट्री पे इन्फेंट्री लिखो, आर्मर्ड पे आर्मर्ड लिखो, आर्टिलरी पे आर्मर्ड पे तो है ही, सिग्नल्स इंजीनियर्स ऐसे लिखो, अब इन्फेंट्री भी अलग अलग ही, गुरखाज फलाना 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 सब खत्म कर दो, कुमाऊ नागा ये सब हटा दो, इन्फेंट्री 1 इन्फेंट्री 2 इन्फेंट्री 3 इस हिसाब से कर दो आप, तो कोई रेजिमेंट नहीं मांगेगा। एक तो ये तरीका है इस प्रॉब्लम को हल करने का। दूसरा, जो 75 साल से जिनका इतना गरिमामय इतिहास है, इतने जो वीरता के पदक जीत चुके हैं, जिस समाज के लोग, अहिर समाज के लोग, देश के स्वतंत्रता में भी काम किया उन्होंने, स्वतंत्रता होने के बाद में उसको स्वतंत्रता रखने में भी काम किया, कारगिल युद्ध की बात देखो आप, टाइगर हिल किसने कैप्चर किया था, योगेंद्र यादव, परमवीर चक्रा ने, तो इनके पास इतने तगमे हैं, तो ये बहुत मार्शल कौम है, इसकी कौम में, अहिर कौम में खून गर्म है, हर आदमी चाहता है सेना में जाकर देश की सेवा करना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी 5 जनरेशन फौज में रही है, मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा भी, मेरा बेटा भी, आप अंदाज़ा लगा लिया कितना हमारे पेट पालने के लिए नहीं, हम तो गोली खा लेने के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हम गोली खाने के लिए भर्ती होना चाहते हैं फौज के अंदर, गोली खाएंगे बॉर्डर पर जा कर के, चाइना से मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। मेरे पिताजी हर नहीं, वो तो ठीक, हमारी सेना 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 डट के जवाब दे रही है, और चाइना पे प्रेशर बना हुआ है, चाइना के नहीं नहीं देखो विपक्ष का काम ही हमला करना, विपक्ष का काम ही कितना अच्छा काम हो रहा हो उसकी आलोचना करना है, लेकिन आज के दिन मैं एक सैनिक होने के नाते बताना चाहूँगा, चाइना बॉर्डर के ऊपर चाइनीज डरते हैं हिंदुस्तान सेना से। एक वीडियो देखा होगा आपने पीछे अभी, कैसे चाइनीज डर करके भाग रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो अपना क्रॉस कर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कितने लोग थे उनसे आधे भी लोग नहीं थे भारतीय सेना के, लगता नहीं है कि सेना कमजोर है, उनके सैनिक कमजोर है, उनके पास हथियार अच्छे हैं हमसे, हथियारों के बलबूते पीछे कौन है हथियार के वो भी देखा जाएगा ना, अकेले हथियार से युद्ध नहीं जीत सकते आप, हमारे पास हमारे जवान मजबूत थे 62 के अंदर, लेकिन हमारे पास हथियार कमजोर थे, जिसके कारण जो रिजल्ट चाहते थे 1962 वो हमारे देश को नहीं मिला, लेकिन आज हमारे पास में हथियार भी ठीक हैं, जवानों का मोरल भी बहुत ऊंचा है, खासकर ये NDA सरकार आने के बाद में, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, ये जवानों में जोश भरते हैं, ये जवानों के बॉर्डर पर जा कर के उनके साथ में खाना खाते हैं, बैठते हैं, उनको बताते हैं कि हम तुम्हारे पीछे हैं। सहूलियत का एक रेजिमेंट बन गई तो 25,000 उसमें अहिर जवान होंगे, नई भर्तियां खुलेंगी, जो रिटायर होगा उसके खिलाफ अहिरी भर्ती होके जाएगा। नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, 4 साल के बाद में भी उनके लिए तो गारंटी है जॉब की, PSUs में उनको जॉब मिलेगा, स्टेट पुलिस में उनको जॉब मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट जॉब देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देगी, अच्छा होगा। वो तो सरकार दोनों चीज़ सुधार लेके, देखो अभी सरकार ने अग्निवीर ला करके क्या किया है, युवा सेना रहेगी उनकी, जो जरूरत है आज पहाड़ी के ऊपर, कोई बूढ़ा आदमी थोड़ी चढ़ पाएगा जब -40 डिग्री टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है ही नहीं जहाँ पे, वहाँ तो यंग चाहिए ना, उसके लंग्स मजबूत चाहिए वहाँ चढ़ने के लिए। दूसरा, सरकार के अंदर अनुशासित लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, जो मिलिट्री ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो रवैया चेंज कर देंगे सरकारी विभागों का। एक सैनिक के अंदर पंक्चुअलिटी, टाइम पे पहुंचना, अनुशासन, ठीक कपड़े पहनना, सीनियर से कैसे बात करते हैं वो उनको सिखाया जाता है, हिम्मत, कभी वो
विचलित नहीं होते, रिश्वत नहीं लेते वो लोग, करप्शन फ्री जो हमारी सोसाइटी है आज, उसमें अगर कोई सुधार ला सकता है तो पूर्व सैनिक ला सकता है, वो अग्निवीर के थ्रू हमारे यहाँ अगले 5-6 साल में देखना आप। सर लगता नहीं है कि 4 साल बहुत कम है किसी नहीं के लिए प्रिपेयर होना? देखिए 25% लोग इसमें परमानेंट रहेंगे, वही रहेंगे जो बहुत कॉम्पिटेंट है, वो उनके सुपरवाइजर रहेंगे, सीनियर्स रहेंगे। 4 साल अब कारगिल युद्ध का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, जितने शहीद हुए थे ऑफिसर जिनको अवार्ड मिले हैं, सारे 2 से 3 साल की उम्र के थे वो लोग, सारे जो पहाड़ ऑफिसर डिजर्ट करे। योगेंद्र यादव की क्या नौकरी थी? 2.5 साल नौकरी थी, 19 साल उम्र थी उसकी। जब पंवी चक्राली अगर वही 30-32 साल का होता, जिम्मेवारियाँ पीछे होती, तो वो साहस नहीं दिखा पाता जो इसने दिखाया। तो इसलिए जरूरत थी। कारगिल युद्ध के बाद में एक स्टडी ग्रुप बैठा था, उसने रिकमेंड किया था कि हमारी आर्मी पाकिस्तान की तरफ भी, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, चाइना की तरफ भी, दो ही दुश्मन हमारे, उन बॉर्डर की रक्षा करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, यंग आर्मी चाहिए जो पहाड़ी पे दौड़े लगा के चढ़ जाएँ, जो दुश्मन को पता भी ना लग कब हम उनके साथी भी जा खड़े हो गए। इसलिए रिक्वायरमेंट थी ये, एक दिन में नहीं हुआ है। अग्निवीर कोई हम कहें कि ये नरेंद्र मोदी जी ने या राजनाथ सिंह जी ने किया, नहीं, ये स्टडी 99 में स्टडी ग्रुप बैठा था, उसकी रिकमेंडेशन को माहौल देख करके कि आज हिंदुस्तान आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गया, मिलिट्री रूप से मजबूत करने के लिए हमने किया। लोग कहते हैं पेंशन बजट कम करने के लिए किया, नहीं, सेना को मजबूत रखने के लिए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे लोग भेजने के लिए, ताकि कई कई देश में तो ये कंस्क्रिप्शन है, कंस्क्रिप्शन का मतलब जरूरी भर्ती होना है फौज में। लंदन के अंदर हर आदमी 2-3 साल नौकरी करनी है सेना के अंदर, इजराइल के अंदर भी वही करनी है, चाइना के अंदर भी वही है। तो हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, एक अच्छे देशभक्त पैदा कर रहे हैं हम हर कॉर्नर में। जब अग्निवीर जाएंगे ना हर कॉर्नर में, PSU में भी जाएगा, स्टेट पुलिस में भी जाएगा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जाएगा, वो कस्टम में भी जाएगा, वो सब जगह जाएगा, तो वहाँ का जो लेवल है वो ऊँचा होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा सुरक्षा गार्ड, कोई नहीं बनेगा उनमें से। सुरक्षा गार्ड बनने वाले और बहुत हैं, उतने शिक्षित आदमी को सुरक्षा गार्ड बनाएंगे जिसको इतना प्रशिक्षण दिया गया 4 साल। नहीं नहीं, वो तो खैर किसी ने गलत, किसी पत्रकार ने तोड़ मरोड़ के उनकी बात को रखा, उनका मकसद ये नहीं था कहने का, उनका बेरोजगार रहेंगे, उन्होंने एक छोटा सा ही उदाहरण दिया था। क्यों रहेंगे बेरोजगार भाई, क्यों रहेंगे, उनकी तो डिमांड हर जगह रहेगी। बीजेपी दफ्तर वाला अगर 50,000 तनख्वाह देंगे एक गार्ड को, तो क्यों नहीं अग्निवीर आके लगेगा, फट से जाके लगेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये था उनका कहने का मतलब।